गाइस, वेलकम टू माय न्यू फ्रेश व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है गाइस, आपने थंबनेल और टाइटल देख के पता ही कर लिया होगा कि आज का जो व्लॉग है वो दरअसल एक्सपो 2020 जा रहा हूँ मैं, तो वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं। आप भी मेरे साथ देखिए धीरे धीरे। और अभी के बज रहे हैं दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, 2:30 हो रहा है टाइम, क्योंकि आज का जो व्लॉग था यार गाइस हमारा, वो अपने निर्धारित समय से थोड़ा पीछे चल रहा है, क्योंकि हम ये मॉर्निंग में व्लॉग करना था स्टार्ट 11 बजे के आसपास, मगर कल रात में मैं कुछ हमारे कजिन्स के साथ पूल टेबल खेलने चला गया था, थोड़ा सा टाइम हो गया, तो उसके लिए आज का जो हमारा व्लॉग है वो थोड़ा लेट चालू हो रहा है, निर्धारित समय से पीछे हो रहा है। सो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और अभी तो मैं चाय और पराठा खा रहा हूँ, एक रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, मता में नादात में रेस्टोरेंट कुछ ऐसा है। सो गाइस, हर बार की तरह इस बार भी अपने सफ़र का आगाज़ जो है तो मेट्रो से ही करेंगे, क्योंकि यार अभी फोर व्हीलर नहीं है अपने पास यहाँ पे। सो, मेट्रो ही अपनी फोर व्हीलर है, गवर्नमेंट ने इतने करोड़ों की गाड़ी अपने वास्ते करी यहाँ की। सो, मेट्रो जिंदाबाद। तो मेट्रो में ही जाएंगे, डायरेक्ट मेट्रो है वहाँ पे, जो कि दुबई एक्सपो के नाम से है। सो, मैं अभी मेट्रो में बैठता हूँ, क्योंकि मेट्रो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया है बुर्ज खलीफा के दुबई मॉल के, तो आज मेट्रो के अंदर मैं शूट नहीं करूँगा और बात भी नहीं करूँगा, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होंगी तो मैं आपसे शेयर करूँगा। सो गाइस, मेरे को एक गाना याद आ गया जो मैं आपको एस्केलेटर पे चलते चलते सुनाऊंगा। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार हमने तो कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। सो गाइस, ये गाने जरा मैं हमारे दोस्तों के लिए गाता हूँ, दोस्तों को हटाने के लिए जरा, तो दोस्तों हटते रहे, इन्हें एंजॉय कर रहा भाई दुबई में, क्या है सुफियान मजे कर रहा है, तो उनको और हटाने के लिए और गाने गाना पड़ता है। ऐसा नहीं है यार, हटाने के लिए नहीं, याद करें ना वही बड़ी बात है उनके लिए, दोस्त को। सो, आज का सफर देंगा ना करेंगे। एक्सपो 2020 पे, और मैं अभी मेट्रो से बाहर निकल रहा हूँ, मेट्रो स्टेशन में था मैं अभी, जस्ट डोर है देखो सामने पीछे के कैमरे से मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये रहा गाइस दुबई एग्जीबिशन सेंटर, जो कि हम लोग आ गए हैं फाइनली एक्सपो 2020 में, और कुछ लोग यहाँ पे फोटोज ले रहे हैं, देख सकते हैं आप इसके लिए जीव, एंड इस सनसेट है अभी, अभी टाइम हो रहा है गाइस 4:25,
4:30 हो गए हैं। गाइस वो अभी जो वहाँ पे भीड़ लगी है, मैं वहाँ लग गया लाइन में, लेकिन मसला ये हो गया कि वो वहाँ पर वैक्सीनेशन चेक कर रहे हैं और जो टिकट काउंटर है वो नीचे है उधर। सो अभी मैं टिकट लेता हूँ फिर वापस चला जाता हूँ। गाइस अभी टिकट काउंटर पे आया हूँ मैं टिकट लेने के लिए एक्सपो 2020 का। एक आता है देखते हैं, होता तो नहीं, और भीड़ बहुत सारी है आज, क्योंकि कल संडे और सैटरडे को निकलते हैं विकेट के लिए। गाइस ये मैंने टिकट ले लिया हूँ, 50 दिरहम का ही है और इसकी वैलिडिटी है एंड ऑफ मार्च। सो गाइस हम लोग ने ले लिया है टिकट, और टिकट लेने के बाद वापस मेरे को वहीं आना पड़ रहा है जहाँ पहले था मैं, एग्जीबिशन सेंटर के, और बहुत सारी भीड़ है जो कि चैन से देखने नहीं देने वाली है। सो देखते हैं। ये देखिए बहुत सारा रश है जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, आगे बढ़ गया तो अच्छी बात है वरना मुश्किल है। गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ एक्सपो 2020 में, जो कि एग्जीबिशन है हर कंट्री का, यहाँ पे पवेलियन है। पवेलियन में वहाँ की जो स्पेशलिटी रहती है कंट्रीज की, जो कि उसके लिए वो मशहूर रहते हैं वो सीन। सो मैं आगे जा रहा हूँ, देख सो पीछे से कुछ ऐसा दिख रहा है सीन बैक कैमरे से। यहाँ पे पूरे कंट्रीज के है तो फ्लैग्स दिख रहे हैं मुझे। इंडिया का किधर है पता नहीं। हाँ इंडिया का, वो उधर जी, हाँ इंडिया का दिख रहा है क्या आपको, झाड़ के एकदम सेंटर में। सो गाइस ये किसी का कॉन्सर्ट होने वाला है शाम में, जो कि पूरा सेटअप हो रहा है, मज़ा आएगा शाम में। देखते हैं शाम तक रुकूंगा क्या नहीं, लेकिन मेरा इरादा तो नहीं है शाम तक रुकने का, ये कॉन्सर्ट हो रहा है था। ओके गाइस गाइस ये दुबई एक्सपो का जो डोम जो आप हर जगह देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, ये वाला है वो। अंदर से कैसा है देखेंगे जाके, अभी तो मैं बाहर से आपको बता रहा हूँ, ये इस तरह से दिख रहा है। सो मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाके एक अराउंड 90 का कैमरा एंगल घुमाता हूँ। ऐसा एक लोगो है तो लोग फोटोज खींच रहे, क्या मिलने वाला, फोटोज खींच के चुकी है अपना, अपन भी खींचेंगे लेकिन बाद में थोड़ी देर के बाद आते टाइम। अभी अपने को जाना है एक अच्छा पवेलियन देखना है, जो कि दिल खुश हो जाना उसको देखने के बाद,
ये ग्रास में से इन्होंने ऐसा रास्ता बनाया हुआ है। अरे बाप रे, ये ऊपर नीचे है। हम लोग जा रहे हैं नियर का पवेलियन, कौन सा है पता नहीं। सो गाइस, मैं अभी जा रहा था, कुछ खास चीज दिखी, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो पंखा, कितना बड़ा पंखा है, वो आपको वीडियो में समझ नहीं आएगा, वो सामने से देखने के बाद ही जाएगा। हाँ, उसकी कुछ हवा आ रही, बस खाली थोड़ा सा शो को दिए हुआ है, दिल को दिला से हाँ पंखा चालू है बोल के। ओके, सो ये हम आ गए जो कि पानी का जो धूम मची हुई है वो पानी का इधर है। ओके, ये गाइस वो जो पानी आ रहा है ना ऊपर से, आपने वीडियोस में जो देखे होंगे वो यहाँ से आ रहा है, ये पूरा है और ये ख्याल से मेरे ख्याल से ये भी। सो गाइस, अभी वो वहाँ से एंट्री नहीं है बोल रहा हूँ, वहाँ से है एग्जिट, और एंट्री है उसकी कोई दूसरे साइड से। तो कौन से साइड से है वो देखते हैं अपन, क्योंकि अपने को जाना है, अपने 50 दिरहम वसूल करना है। सो गाइस, कहाँ है वो रास्ता, बस थोड़ा करीब है और यहाँ कुछ रेस्टोरेंट है इस तरह से दिख रहे हैं। चल चलते, मैं आपको बता दूँ, ऐसा कैमरा लेंगे बाद में। अच्छा, अपना कैमरा चलने लगा दूँ। और ये पानी के इस पर बहुत भीड़ है यार, और ये क्यू देखो गाइस बहुत ज़्यादा है। कैसा करना अंदर जाने का, क्योंकि अपने को ये क्यू आ रही है बहुत दूर से, जो पीछे सारी क्यू है तो वो पानी का दिखने के लिए, उसका कुछ तो भी इलाज करना पड़ेगा आपने, शैतानी दिमाग से। गाइस ये आ रहा है, मैं क्यू में लगा हुआ हूँ, बाहर से। गाइस बहुत सारी भीड़ के बाद एंट्रेंस में आ चुके हैं हम, स्टेयर से मैं नीचे जा रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या है। अभी मैं अंदर जाके आपको बताता हूँ। तो ये यहाँ से हम लोग आए और ये रहा वाटरफॉल, वाटर फीचर बोल रहे हैं इसको, कुछ क्या क्या बोल रहे हैं जो भी है आप आपका गूगल करके पढ़ लो। पीछे कुछ इस तरह से है।
अब यहाँ से हमको निकलना चाहिए कि हमारे दूसरे चीज़ रह जाएंगे। ये वाटर फीचर तो हो गया, आपने अच्छा खासा मज़ा ले लिया। अब आपकी ज़रूरत नहीं आने की क्योंकि मैंने आपको बता दिया। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं पहली फुर्सत में और कुछ नया देखने के लिए। सो ये वाटर फीचर हो गया अपना, ओके। सो अभी मैं दूसरा प्राइस, थोड़ी सी कॉफ़ी लेते। हाउ मच प्राइस ऑफ कॉफ़ी? 33। सो इट्स ब्लैक टी। ब्लैक टी और हार्ड और सॉफ्ट? बहुत महंगी बोल रहा हूँ मैं, कॉफ़ी और कुछ काम की नहीं है, कड़वी रहती है कॉफ़ी, जो कि अपने लोग को नहीं जमती। जैसे इटालियन या कुछ भी रशियन वशियन नहीं है। और अब हमको जाना है कोई तो की पवेलियन में, जो कि बहुत देर से हम लोग इधर, टाइम हो गया हमारा। अभी टाइम हो रहा है गाइस 5:26। तो हमको ये डे में है तो कवर करना पड़ेगा कुछ कुछ आइटम जो कि नहीं हो पाएंगे, नेक्स्ट और व्लॉग में बनाएंगे। लेकिन अभी वाला तो आज जितना हो सके इतना करना पड़ेगा हम लोग को, समझ रहे हैं आप गाइस। ये झूला का बहुत ही आखिरी दिख रहा है, उसके नीचे जाते हैं और पूछते हैं उसका, वो जो झूला है उसका प्राइस कितना है पूछते। अगर अपने बजट में रहा तो बैठ जाएंगे अंदर, वहाँ बाहर से ही वीडियो ले लेंगे। गाइस अभी मैं आ गया हूँ गार्डन इन स्काई में, तो इसके अंदर देखते हैं क्या खास है जो आपको एंटरटेन ज़्यादा करेंगे एंटरटेनमेंट के लिए। और हर जगह रश ज़्यादा है, क्यों है लाइन में वगैरह में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लगने के लिए, इसलिए कुछ कुछ चीज़ें कैंसिल करना पड़ेगा आपको, पब्लिक खत्म करने वाले हैं यहाँ पे बहुत, ओके। गाइस यहाँ पे है ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया एक्वेरियम जो भी है ऑडिटोरियम, और हर ऑडिटोरियम के बाहर यार लंबी सी क्यों है, लाइन है, रश है, तो क्या अपन लोग घूमेंगे। ये इसका थोड़ा आर्किटेक्चर देख लो, ये जो गोल गोल घूम रहे हैं वहाँ पर और से। गाइस दिस इज ये पवेलियन है इसराइल का, जो कि यहाँ पर है इसराइल का झंडा, और ये मुझे लगता है फ्री है। तो इसकी कुछ ऐसी खासियत है चलने की जो कि आप देख सकते हैं इसराइल का पवेलियन, और सामने ये झाड़ के पीछे है कजाकिस्तान, और गाइस ये है बेल्जियम, ब्रसेल्स, फ्लैंडर्स, वॉलेनिया, जो कि यहाँ से इस तरह दिख रहा है। इधर अच्छा कुछ खास दिख रहा, अपन लोग इधर ही जाएंगे, उधर बाद में जाएंगे, ये साइड अपन लोग बाद में जाएंगे, पहले इधर जाएंगे। हम इतनी देर से व्लॉग बना रहे हैं और हर जगह का पवेलियन बताया और अपनी कंट्री का नहीं बताया, ये तो गलत बात है। इसलिए मैंने आपको भारत का पवेलियन बता चुका हूँ। भारत का पवेलियन बोले तो मेरे को वो रवि शास्त्री की कॉमेंट्री याद आ रही, सचिन तेंदुलकर अपना भारत के पवेलियन में एंटर होते हुए क्या रहता वो स्टैंड पवेलियन, यानी कि अपने पवेलियन वापस जाते हुए जो भी है वो समझ लो आप, जीवन दान मिला इन्हें। सो गाइस यार एक्सपो से सीधा रूम पे मैंने आपको लेके आ गया, क्योंकि यार मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी लो हो गया था, उसके लिए आज का व्लॉग यही ख़त्म करेंगे।
और यानी कि ये पार्ट वन है एक्सपो का, पार्ट टू इंशाल्लाह कल मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही था।